ओ मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज माशाल्लाह न्यू रेसिपी लेकर आए हैं, गाजर के पानी वाला अचार है, बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप भी खा कर देखें, इतना टेस्टी है कि मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। चलते हैं रेसिपी की तरफ, किस तरह बनाएं आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह गाजर की अचार, पानी वाला ये अचार है, बहुत माशा खट्टापन है इसके अंदर। ये माशाल्लाह देखिए कितने फ्रेश गाजर है, अभी इसका सीज़न है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह गाजर की माशाल्लाह चटनी सिर्फ सर्दियों में बनाया जाता है, ये ज़्यादा चलता नहीं है। आप ये अभी आपको बताएंगे किस तरह बनाएंगे। अभी ये देखिए, ये इस तरह काट के आपको दिखाएंगे किस तरह काटे हैं, इस तरह। गुठली के साथ इसको कट कर लें, गुठली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशल आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, खासकर अपने भाई के लिए भी बना रही हूँ, मेरे भाई को बहुत पसंद है। ये देखें, अभी ये सब रेडी हो गए हैं। अभी इसको वॉश कर लेंगे, फिर इसके पंखे के नीचे रख दें, धूप पे रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पंखे के नीचे इसको रख दें 4-5 घंटे के लिए, ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा खुश्क हो जाए गाजर, उसके बाद इसको बनाएंगे। ये तकरीबन 1 किलो गाजर है, आप कम या ज़्यादा आप बना सकती हैं। धो लें, इसको अच्छी तरह धो लें, साफ कर लें। अभी इसको एक कपड़ा नीचे रख दें, इसके बाद ये गाजर इस तरह फैला दें। अब इसको छोड़ दें, जब तक ये खुश्क ना हो जाए इसको छोड़ दें। जब ये खुश्क होंगे फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे। इसलिए हमें चाहिए ऑयल, जब ये तकरीबन 3 टेबल स्पून तेल है। अभी इसमें ऐड कर लें लहसुन, छोटे छोटे टुकड़े कर लें लहसुन की। अभी लहसुन को तेल के अंदर जलाएंगे बिल्कुल। अब ये देखिए, अभी रेडी हो गई। अब चूल्हा ऑफ कर लें, स्टार्ट करती हैं। ये देखें, ये अभी तो बिल्कुल माशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो गया है, ये देखें इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ये खुश्क हो गया है। अभी ये इस अचार के मसाले हैं, ये गाजर की अचार के मसाले हैं। आपको बताएगी मम्मा इसमें क्या क्या ऐड है। जी मम्मा, कलौंजी है, राई, और टाटरी, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा सौंफ, सफेद जीरा। अच्छा, ये चारों पांचों मसाला इसमें ऐड है, तकरीबन एक टीस्पून है सब। अभी इसमें सबसे पहले इसमें नीम गरम पानी ऐड कर लें। इसका कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना मतलब 1 लीटर आएंगे ये आपकी मर्ज़ी है, अभी जितना आप डाल देंगे। अभी ये 1 लीटर पानी है, इसमें 1/2 किलो ये गाजर है, इसमें शामिल कर लें। इसके बाद इसमें ये गाजर के अचार के मसाले ये शामिल कर लें। ये बहुत मज़ेदार माशाल्लाह अचार है, गाजर के पानी वाला अचार माशाल्लाह। अगर आप लोग कोई बारी चीज़ खाएंगे, गोश्त वगैरह कोई, तो माशाल्लाह ये पी लें भी खा लें भी। इसके बाद इसमें लहसुन के तड़का शामिल कर लें, नमक हसबे जायका नमक है। अब इसको मिक्स कर लें, ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, आप ट्राई करके देखें माशाल्लाह, फिर मुझे आप खुद कमेंट्स देंगे अच्छे अच्छे कि वाह ज़बरदस्त आपने रेसिपी बताया गाजर के पानी वाला अचार के। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ये बनाकर रख दें, इसके बाद इसको पैक, अगर ज़्यादा है तो खाना नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए ही काफ़ी है। इसको रख दें क्योंकि इसमें पानी ऐड है, इसके बाद 1 हफ्ते के बाद ये होंगे ख़राब। अभी ये हो गए रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको धूप पे रख दें,
दो दिन के लिए, दो दिन के बाद इसको खा लें। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह खट्टा खट्टा माशाल्लाह अचार है गाजर की। अगर आपको पसंद आई रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।